हेलो, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में। तो सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है, इसको हम देखने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि सिग्नल्स क्या होते हैं। तो सिग्नल कोई भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट वेवफॉर्म हो गया, जो हम सिग्नल के फॉर्म में प्लॉट करते हैं। सिग्नल यानी आपका वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी यूनिट डाटा हो सकता है या फिर मल्टीपल डाटा हो सकता है। उस डाटा को अगर हम सिग्नल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिग्नल्स। तो सिग्नल्स जो बेसिक्स होते हैं वो हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो सिग्नल दो टाइप के होते हैं, एक कंटिन्यूस होता है और एक डिस्क्रीट होता है। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में डिफरेंस क्या होता है, उसको हम जनरेट कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे हम सिग्नल प्रोसेसिंग के वीडियो में। तो आज हम पहला जो सिग्नल और जिसको हम बेसिक सिग्नल बोलते हैं वो सिग्नल हम आज प्लॉट करेंगे, उसका नाम है यूनिट स्टेप सिग्नल या फिर इसको हम बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। तो चलिए हम यूनिट स्टेप फंक्शन को आज प्लॉट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो उसके अंदर हम दो फंक्शंस का यूज़ करेंगे, एक होता है प्लॉट और एक होता है स्टेम। यहाँ पर देख सकते हैं प्लॉट जो होता है वो आपको कंटिन्यूस सिग्नल प्लॉट करने के लिए काम में आता है, और जो स्टेम होता है वो आपका डिस्क्रीट सिग्नल प्लॉट करने के काम आता है। प्लॉट का मतलब जो कंटिन्यूस वैल्यूज़ आई हैं उन सबको मिला देगा, मिलाने के बाद जो सिग्नल बनेगा वो हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल बनेगा। लेकिन स्टेम क्या करता है, आपका जो वैल्यू आया है उसी पॉइंट पे प्लॉट करके दे देगा, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यू देगा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं और इसको कैसे यूनिट स्टेप सिग्नल को जनरेट करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल होता क्या है। यूनिट स्टेप सिग्नल वो होता है जिसके अंदर जीरो के बाद हमारे पास वैल्यू हमेशा हाई आती है, यानी कि वन, और जीरो के पहले हमेशा आता है जीरो। अगर इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो इस तरह से देख सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है यू ब्रैकेट के अंदर टी। टी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कंटिन्यूस टाइम डोमेन के अंदर। ये जीरो कब होता है, व्हेन टी इज लेस देन जीरो, यानी कि अगर ये हमारे पास टी एक्सेस है और ये हमारे पास यू टी है तो टी लेस देन जीरो के लिए हमारे पास जीरो आउटपुट देगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं वन कब देगा, व्हेन टी ग्रेटर देन जीरो, यानी जब t की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो तो ये हमेशा वैल्यू वन देगा। तो इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल या फिर इसको बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। इस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहा और इसका ग्राफिकल इलस्ट्रेशन इस टाइप से आएगा। तो हम इसी को प्लॉट करेंगे, हम उसके अंदर हम पहले वैल्यू डिसाइन करेंगे और वैल्यू डिसाइड करने के बाद हम उसके अंदर कुछ इनपुट लेंगे और उस इनपुट के हिसाब से हम यूनिट स्टेप फंक्शन को प्लॉट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं मैटलैब विंडो पे। यहाँ पे देखिए हमने एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर रखी है। स्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम यूनिट स्टेप फंक्शन जनरेट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम पहले वैल्यूज़ डिफाइन कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक हम वैल्यूज़ लेंगे। तो मैं एक वैल्यूज़ लेता हूँ n, n के अंदर वैल्यू है 10 से लेके 10 तक, यानी कि ये डिस्क्रीट वैल्यू आ गई हमारे पास n की। -10 से 10 यानी 21 वैल्यूज़ है। यहाँ पर देखिए मैं इसी को कॉपी करके कमांड विंडो पर रन कर रहा हूँ। कमांड विंडो पर रन करने पर हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 1x21, या फिर इसी को हम n रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं -10 से लेकर 10 तक यानी कि 21 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास इंक्लूडिंग जीरो। जीरो क्या करेगा, काम करेगा कि जीरो के आगे अगर जाता है तो 1 होना चाहिए, जीरो के पहले हमारे सारे वैल्यूज़ जीरो होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको अब डिफाइन कर देते हैं हमारे यूनिट स्टेप फंक्शन को। इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और हम कमांड यूज़ लेंगे, वो हम लेंगे जीरोज एंड वंस का। तो चलिए मैं जीरोज़ कमांड लेता हूँ। जीरोज़ कमांड हमें लेना है 1 रो और 10 कॉलम, क्यों, इसके अंदर हमारे पास 21 वैल्यूज़ है। तो -10 से लेके -1 तक हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, तो उन सबको हमने ज़ीरो कर दिया। और उसके बाद स्पेस देके हम क्या करेंगे, वंस कमांड लेंगे, ONES 1 रो एंड 11 कॉलम। 11 कॉलम किस लिए, क्योंकि हमारे पास 21 वैल्यूज़ है, तो यहाँ तक तो 10 आ गई और यहाँ पर 11, तो टोटल 21 हो गया। अब इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, यानी कि ये एक वेक्टर बन गया जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हो गई जीरो और कुछ वैल्यूज़ हो गई वन। लेकिन हमने यूनिट स्टेप फंक्शन डिफाइन किया है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन इसलिए हिसाब से डिफाइन किया है कि जीरो के जस्ट पहले वाले सारे जीरो हो जाएं और जीरो के बाद वाले सारे वन हो जाएं। तो चलिए इसको अब हम प्लॉट करके देखते हैं। तो प्लॉट करने के पहले हमें दो चीज़ प्लॉट करनी है, एक कंटिन्यूस प्लॉट और एक डिस्क्रीट प्लॉट, तभी हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली प्लॉट कर दूँ तो ये डायरेक्टली आपको जीरो पर नहीं दिखेगा। तो चलिए इसको एक बार सब प्लॉट करके फिर देखते हैं। सब प्लॉट कमांड यूज़ किया, उसके अंदर हम कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों एक साथ देखेंगे। तो पोजीशन दे देते हैं 2, 1, 2, यानी सेकंड हम 2 रोज एंड 1 कॉलम के अंदर हमने स्क्रीन डिफाइन किया, और फर्स्ट दे देते हैं, फर्स्ट के अंदर हमने
वैल्यूज प्लॉट करनी है। तो प्लॉट करने के लिए प्लॉट कमांड लेंगे प्लॉट एन कॉमा यू। एन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस को और यू रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को। तो चलिए इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो जैसे ही रन किया ये हमारे पास फाइल रन हो गई है और यहाँ पर जो वेवफॉर्म है यहाँ पर आ जाना चाहिए, अभी आएगा ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए कंटिन्यूस के अंदर ये माइनस वन से स्टार्ट हुआ और ये जीरो पर जाके वन हुआ है। यहाँ पर देखिए ये माइनस वन टी एक्सिस पे है और ये हमारा यू एक्सिस है जो हमारा यूनिट स्टेप है, ये यहाँ पे आया। तो इस तरह से क्यों आना चाहिए जबकि यूनिट स्टेप हमारे पास सिंपल सा एक वेवफॉर्म आना चाहिए था इस टाइप से सीधा। तो सीधा नहीं आया कि ये हमारे पास इस टाइप से आया। इस टाइप से इसलिए आया क्योंकि हमने जो सैंपल्स लिए हैं यानी कि माइनस टेन से प्लस टेन ये वैल्यू बहुत ही कम है। इसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो माइनस वन से जीरो तक जाने में जो चेंज लग रहा है वो हमें विजिबल है। अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो ये विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ा दूं यानी एन की वैल्यू बढ़ा दूं तो ये वैल्यू हम ऐसे देखेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ मैं स्टेम करके यूज़ लूँगा तो स्टेम के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू दिखेगी जहाँ पर जीरो की वैल्यू, जब टी की वैल्यू जीरो हो तो वैल्यू हमारे पास यू की वन आएगी। तो चलिए इसी को हम यहाँ प्लॉट करते हैं और फिर देखेंगे इस विंडो के अंदर। चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसी के अंदर मैं सबप्लॉट कमांड यूज़ लेता हूँ। सबप्लॉट टू रोज फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड पोजीशन पे मैं स्टेम का कमांड यूज़ करना है। तो हमने लिया स्टेम, ध्यान रखिएगा स्टेम कमांड यूज़ होता है डिस्क्रीट वैल्यू को प्लॉट करने के लिए। तो एन कॉमा यू ले लिया हमने, सेम फंक्शन है और अब हम इसको रन करते हैं। जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं इस टाइप का वेवफॉर्म दिख रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस वन के अंदर वैल्यू कुछ नहीं है और जीरो पे हमारा हाई हो गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस वन पे वैल्यू क्या हो रहा है कि एक्चुअली कंटिन्यूस के अंदर माइनस वन से वैल्यू डायरेक्टली वन पे जा रहा है। तो ये कंटिन्यूटी शो करना है, तो इस कंटिन्यूटी को शो करने के लिए ये लाइन प्लॉट हुआ हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे ये कोई भी वैल्यू प्लॉट नहीं होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए आप डिस्क्रीट के अंदर देख सकते हैं ये जीरो से वन हुआ, जीरो के वैल्यू पे वन हो गया और ये हमारे पास वन चलता जा रहा है। तो इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और इसका नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग करने से क्या होगा कि आइडेंटिफिकेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो इसको नेमिंग करने के लिए हम वापस मैटलैब के ऊपर चलते हैं। इसके अंदर हम दे देते हैं कि हमारा जो एक्स लेबल है या एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस हमारा क्या है टाइम एक्सेस हम दे देते हैं यहाँ पे, या टी दे देते हैं। तो अलग अलग टी के लिए हमारे पास प्लॉट हो गया। वाई लेबल दे देते हैं, वाई लेबल है हमारा यू टी, तो यू ब्रैकेट के अंदर टी दे देते हैं और सब सिंगल कोट के अंदर देते हैं ताकि ये हमारे पास वहाँ ग्राफ पे प्लॉट हो जाए। और इसको टाइटल दे देते हैं, टाइटल हमारे पास कंटिन्यूस वेवफॉर्म है, कंटिन्यूस सिग्नल के नाम से हम इसको से रख देते हैं या सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल हो गया। अब इसी तरह से हम नीचे वाले को लेबलिंग कर देते हैं। लेबलिंग करने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर जाके मैं चेंज कर दूँगा सारी चीज़ें। तो एक्स लेवल के अंदर अब हम यहाँ पर एन ले रहे हैं और ये हमारे पास यू एन प्लॉट हो जाएगा और ये हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं। तो इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो वेवफॉर्म आएगा वो इस टाइप से आएगा। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस सिग्नल है, ये यू टी रिप्रेजेंटेशन है और ये टाइम एक्सेस है और वहीं पे हमारे पास एन है और ये हमारे पास यू एन है। तो इस टाइप से हम डिस्क्रीट सिग्नल और कंटिन्यूस सिग्नल को प्लॉट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं चाहता हूँ ये देखिए आपको कंटिन्यूस सिग्नल यहाँ पे पीक पे दिख रहा है, तो मैं इस एक्सिस को ऐसे एडजस्ट करूँगा ताकि हमें ये एग्जैक्टली वेवफॉर्म दिख जाए कि पूरा वेवफॉर्म कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। और वैसे ही इस डिस्क्रीट वैल्यू के अंदर भी हमें पूरा अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों शो होना चाहिए। तो चलिए इसको मैं एक्सेस सेट कर देता हूँ। तो एक्सेस सेट करने के लिए हम लोगों ने सीख रखा है एक्सेस कमांड, तो चलिए प्लॉट के जस्ट बाद हमें एक्सेस कमांड यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एक्सेस लिमिट। देखने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एक्सेस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो ये जा रहा है माइनस टेन से टेन तक, तो मैं ले लेता हूँ इसको माइनस ट्वेल्व से ट्वेल्व तक। और वाई एक्सेस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हम देख सकते हैं वन तक ही जा रहा है, तो इसको ले लेते हैं माइनस वन से टू तक। तो ये हमारे पास एक्सेस सेट हो गया। यही एक्सेस हम नीचे भी सेट करेंगे सबप्लॉट टू टू के अंदर ही। तो इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, और जस्ट रन करता हूँ। एक बार इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ और क्लियर स्क्रीन करने के बाद फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए रन करने पे हमारे पास इस टाइप से वैल्यू है। अब ये क्लियरली विजिबल है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल दिख रहा है और ये हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल दे रहा है।
पहले क्या दिख रहा था, यहाँ पीक पे दिख रहा था, अब हमारे पास पीक से जस्ट व्यून होगा, क्योंकि हमने वाई एक्सेस को चेंज किया -1 से 2 के बीच में, जो कि वैल्यू थी -1 से 1 के बीच में, या 0 से 1 के बीच में। यहाँ पे भी देखिए 0 से 1 के बीच में थी, उसको हमने -1 से 2 के बीच में स्केल कर दिया। तो स्केल करने के बाद आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है ये यूनिट स्टेप फंक्शन। तो चलिए, ये तो था यूनिट स्टेप फंक्शन, और इसके अंदर हमने एक्सेस कमांड भी देखा, और इसको इजिली प्लॉट कर सकते हैं यूजिंग जीरोज एंड वंस कमांड। अब इसी के आगे हम देखेंगे नेक्स्ट जो फंक्शन है वो अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।